अच्छा जी, अब फेशियल नर्व देख लेते हैं, उसका पाथवे, उसमें कौन कौन से फाइबर्स ट्रेवल कर रहे हैं। मिक्स नर्व है, मोटर फाइबर्स भी आ जाते हैं और सेंसरी फाइबर्स भी आ जाते हैं। सेंसरी आपने याद रखना है, सिर्फ टेस्ट के फाइबर्स जो हैं वो फेशियल नर्व कैरी करके आ रही होती है। स्पेशल विसरल ऑफरेंट, कोई यहाँ पे जनरल सोमेटिक ऑफरेंट फाइबर्स ईयर वगैरह से सेवन्थ नर्व कैरी नहीं करके ला रही होती। अगर होता तो यहाँ पे स्पाइनल न्यूक्लियस उन्होंने ने बताया होता मेसेंसेफेलॉन का। यहाँ पे उन्होंने दो ही न्यूक्लियस बताए, एक बताया हुआ है न्यूक्लियस ऑफ सॉलिटरी ट्री, एक उसका मेन मोटर न्यूक्लियस आ जाता है, एक आ जाता है जनरल विसरल इफ्रेंट पैरासिम्पथेटिक वाला जो कि है सुपीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस, ठीक है, और साथ में लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस। सुपीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस जो है वो सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर ग्लैंड को जो है पैरासिम्पथेटिक सप्लाई करेगा, और लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस जो है वो लैक्रिमल ग्लैंड के लिए। ठीक हो गया, ये तीन न्यूक्लियस हैं इसके सेवन्थ नर्व के। अब हमें पता है, सबसे पहले हम इसकी जो है स्पेशल विसरल इफ्रेंट वाले पार्ट को देख लेते हैं। तो ये निकल रहा है जेनिकुलेट गेंगलिया में विदाउट एनी रिले, ये जा रहा है। जब यहाँ पे स्टाइलोमेस्टोइड फोरमेन में से निकलेगा, ये यहाँ पे देगा कुछ ब्रांच जो है पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच और नर्व टू स्टेपीडियस मसल, ठीक है, इन दोनों को सप्लाई करेगा। ये जो पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व है ना, ये फर्दर दो ब्रांचेस दे देगी, एक ऑरिकुलर ब्रांच दे देगी और एक ऑक्सीपिटल ब्रांच दे देगी। ऑक्सीपिटल ब्रांच इसकी जो ऑक्सीपिटो फ्रंटेलिस मसल का जो ऑक्सीपिटल पार्ट है उसको सप्लाई कर देगा, और जो ऑरिकुलर ब्रांच है वो यहाँ पे कुछ वेस्टिजियल मसल्स होते हैं ऑरिकुलरिस वगैरह उसको सप्लाई कर देगी। दूसरा हो जाता है नर्व टू स्टेपीडियस, वो भी यहीं से अराइज करती है क्योंकि जो फेशियल नर्व है वो सेकंड फरिंजियल आर्च के जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे ना उनको सप्लाई करेगी, जैसे कि मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, ऑक्सीपिटो फ्रंटेलिस, और ये जो आ जाता है स्टेपीडियस का मसल, फिर इसके अलावा पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक और स्टाइलोहेड मसल्स, इन सबको इसने जो है वो सप्लाई कर देना है। यहाँ पे देखो, इन्होंने सारी ब्रांचेज आगे बताई गई हैं किस तरह से ये मसल्स को सप्लाई करती है, ये तो ईजी सी बात है। अब हम लोग चलते हैं इसकी जो स्पेशल विसरल ऑफरेंट है, टेस्ट की सेंसेशन ये लेकर आ रही है, वो बेसिकली ट्रेवल कर रहा होता है इसके नर्वस इंटरमीडियस के अंदर। नर्वस इंटरमीडियस के अंदर दो फाइबर्स आ जाते हैं, एक टेस्ट को लाने वाले एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग से, ठीक है, स्पेशल विसरल ऑफरेंट के फाइबर्स, और दूसरे आ जाते हैं जनरल विसरल इफरेंट के फाइबर्स। अब जनरल विसरल इफरेंट बेसिकली जाने वाले फाइबर्स हैं, वो इसके साथ क्यों ट्रेवल कर रहे हैं, ऑफकोर्स हमारी जो सेलिवेशन वगैरह हो रही होती है वो टेस्ट के साथ कंसर्न करती है, तो इस वजह से ये दोनों फाइबर्स एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं इन द नर्वस इंटरमीडियस, ठीक है। नर्वस इंटरमीडियस इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऊपर ये जो मेन मोटर वाला कॉम्पोनेंट है इसका, और इसके नीचे साथ में एट्थ नर्व ट्रेवल कर रही होती है, इन दोनों के दरमियान वाली पोजीशन में ये आ जाती है, इस वजह से इसको नर्वस इंटरमीडियस का नाम दिया गया है। सो टेस्ट के फाइबर्स आ जाएंगे स्पेशल विसरल ऑफरेंट के इंटरमीडियस के अंदर, और यहाँ पे इसका रिले होता है जेनिकुलेट गैंग्लियन के अंदर, और देन जेनिकुलेट गैंग्लियन के सेंट्रल प्रोसेसेस जाके न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस को टेस्ट के बारे में इन्फॉर्म करेंगे, जो कि सेवन्थ नर्व लेकर आई है। अब हम बात करते हैं जनरल विसरल इफरेंट की, ठीक है, वो ट्रेवल फाइबर्स ट्रेवल कर रहे हैं, ये जो डॉटेड डॉट्स के अंदर शो किए गए हैं, इस तरह से ये ट्रेवल करेंगे, ये दो गैंग्लियास की तरह जाएंगे। एक आ जाता है टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन जो कि लैक्रिमल ग्लैंड के साथ कंसर्न करता है, और दूसरा आ जाता है सब मैंडिबुलर गैंग्लियन जो कि इन दो ग्लैंड्स के साथ कंसर्न करता है। जो सब मैंडिबुलर गैंग्लियन की तरफ जाएगी ना, प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स इसकी इससे अराइज करती हुई, ये इसको आप ट्रेस करते हुए जाओ तो ये जा रही है बेसिकली कोडा टेम्पनाई की नर्व के साथ जो है इसके जा रहे होते हैं पैरासिम्पथेटिक प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पथेटिक, और साथ में जो फिफ्थ आ जाती है ना फिफ्थ नर्व, उसकी लिंगुअल ब्रांच, वो भी यहाँ पे सेंसरी सप्लाई देगी इस गैंग्लियन को, और वहाँ से फाइबर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलेंगे जो कि इन दोनों ग्लैंड्स को सप्लाई कर देंगे। उसके बाद आ जाती है टीरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन की तरफ, कौन से इसके फाइबर्स जा रहे हैं, अगेन आप इन डॉट्स को फॉलो करते हुए जाओ तो बेसिकली प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पथेटिक नर्व जो इसकी तरफ जाती है उसको हम कहते हैं ग्रेटर पेट्रोजल नर्व, ठीक है, वो भी इंटरमीडिएट नर्व से ही निकली हो जाएगी। वो यहाँ पे अब जो है सिंपथेटिक्स भी तो जानी है ना इसको लैक्रिमल ग्लैंड की तरफ टीरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन को, वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी प्लेक्सस के इर्द-गिर्द से आती है, उसको हम कह देते हैं डीप पेट्रोजल नर्व। जब ये दोनों नर्व्स आके मिलती हैं एक केनाल के अंदर तो उसको हम कह देते हैं टीरिगोइड केनाल, नर्व ऑफ टीरिगोइड केनाल, जब ये दोनों ग्रेटर पेट्रोजल नर्व और डीप पेट्रोजल नर्व इस केनाल में से पास करती हैं तो इन दोनों का नाम हम चेंज करके कह लेते हैं नर्व ऑफ टीरिगोइड केनाल। वो जाएगी इस गैंग्लियन के अंदर सेनेप्स करेगी और यहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलेंगे जो कि लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई करेंगे।